वेलकम hey Anjali and आप देख रहे हैं अंजलि वर्ल्ड सो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये वाला लुक इट्स अ न्यूली वेड लुक एंड ये बहुत सिंपल लुक है जितना आपको लग रहा है कि बहुत टफ़ होगा इतना टफ नहीं है ये बहुत सिंपल है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती रहूंगी और जो नेसेसरी चीज़ें होगी वो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी और जो ऑप्शनल uh, होगी वो तो ऑप्शनल ही है आप यूज़ करो ना करो वो भी मैं बताती रहूंगी तो लेट्स गेट स्टार्ट है मोस्टली मैं यूज़ ये प्लम का टोनर इसे फेस मिस भी कहते हैं सो so, ये हमारी स्किन को काफ़ी देर तक टोन रखता है तो कुछ लोग क्या करते हैं कि टोनर लगाते ही मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर देते हैं ये नहीं करना होता कुछ सेकंड के लिए हमें इसे एब्जॉर्ब होने देना होता है फेस पे तो so, सी अब मेरे फेस पे एकदम से एब्जॉर्ब हो चुका है टोनर अब लगाएंगे मॉइस्चराइज़र मॉइस्चराइज़र आप कोई सा भी लगा सकते हैं मैं यहाँ पे टैग का लगा रही हूँ टी का सो so, ये काफ़ी मतलब मेरे स्किन को हाइड्रेट रखता है मॉइस्चराइज़ करता है और इसका टेक्स्चर भी बहुत अच्छा है एकदम लाइट वेट है वो अच्छे से मॉइस्चराइज़र को ब्लैंड कर लेंगे फेस पे तो जो आपने एक्ट्रेस का चेहरा देखा होगा बहुत ज़्यादा ग्लो करता है उसका राज यही होता है कि वो स्टेप बाय स्टेप जो है मेकअप अप्लाई करते हैं और स्किन हाइड्रेट रहती है जिसकी वजह से ड्राइनेस एंड केकी नहीं लगता बेस उनका तो फेस में अभी से ग्लो आने लगा है नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे डर्मा को का प्राइमर ये हमारे ओपन पोर्स को मिनिमाइज करते में हेल्प करता है सो तो यहाँ पे ये देखिए टेक्सचर इसका थोड़ा जेल टाइप का है और काफ़ी स्मूथ कर देता है ये स्किन को और हमारे पोर्स जो है वो भी बहुत मिनिमाइज़ हो जाते हैं इतना स्मूथ लग रहा है स्किन मेरा बहुत ज़्यादा सो तो ये भी बेस्ट है प्राइमर नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे ये मामा अर्थ का कंसीलर आइस के अच्छे से सर्कल में लगा लेंगे डार्क सर्कल्स को कवर करते हुए अगर आपके पास ब्लेंडर है तो आप ब्लेंडर में कंफर्टेबल है तो ब्लेंडर से कर सकते हैं वरना तो मुझे हैंड से काफी कंफर्टेबल लगता है तो मैं हाथों से ही ब्लेंड करती हूँ फिंगर्स की हेल्प से कंसीलर लग चुका है हमारा अब हम करेंगे फर्स्टली आई मेकअप स्टार्ट न्यूली वेड मेकअप कर रहे हैं तो साड़ी कुछ इस तरह की है तो साड़ी के अकॉर्डिंग हमें करना चाहिए थोड़ा गोल्डन आई मेकअप आई शेडो जो है वो फैले नहीं तो आप कॉर्नर्स पे इस तरह से टेप लगा सकते हो ये दोनों साइड्स पे मैंने लगा दी है टेप हाँ मैं यूज़ करी हूँ ये वाला गोल्डन फर्स्टली लगा लिया है अब मुझे थोड़ा सा बोल्ड आई चाहिए तो मैं Uh, अब अंदर की साइड में कटाइस आप कह सकते हो वो वाला मैं कर तो रही हूँ बट मैं अपने अकॉर्डिंग कर रही हूँ अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग जिससे आपको इजी लगे तो अब मैं यूज करने वाली हूँ ये वाला शेड थोड़ा सा ब्राउनिश एंड ग्लिटर ग्लिटर्स आए ये थोड़ा तो so, सो दोनों शेड मिक्स होके कुछ इस तरह से थोड़ी बोल्ड आई में आ, वो दिख रहा है सो so, अब देखिए अब फायदा ये होता है बेस बाद में बनाने का कि जितना भी आई मेकअप का ग्लिटर गिरा होता है तो जब हम बाद में लगाते हैं फाउंडेशन तो उसमें वो जो है इक्वल हो जाता है तो इसलिए ज़्यादा फैला फैला नहीं दिखता मैसी सा नहीं लगता सो तो अब हमने कर लिया है आई शेडो कम्प्लीट और इतना ही आई शेडो बेटर लगेगा अगर आप साड़ी में कर रहे हैं मेकअप सर so, नेक्स्ट हम स्टेप करते हैं लाइनर तो यहाँ लाइनर भी लग चुका है और अब हम इसे निकाल सकते हैं देखा कितना क्लीन रहता है इससे बस यहाँ का थोड़ा यहाँ का परफेक्ट बना है यहाँ का थोड़ा सा हो गया बिकॉज ऑफ दिस क्योंकि मैंने थोड़ा ढंग से नहीं लगाया अब ये इक्वल हो गए हैं अब हम बनाएंगे बेस सो बेस बनाने के लिए आप फर्स्टली कोई सा भी फाउंडेशन या फिर अगर आपकी स्किन ड्राई है तो फाउंडेशन के साथ मॉइस्चराइज़र uh, मिक्स करके लगा सकते हैं तो so, यहाँ पे मैं लगा रही हूँ हाउस ऑफ मेकअप का फाउंडेशन और अपनी स्किन टोन का लगाएं तो बेटर है वरना बहुत ज़्यादा हाईलाइट करता है आपका फेस अलग से दिखता है सो so, मेरा टोन तो न्यूड है तो आप अपने टोन के हिसाब से लगाइए और मेरा स्किन ड्राई भी है तो मैं इसे मॉइस्चराइज़र के साथ लगाऊंगी ताकि जो है मेरा फाउंडेशन ड्राई और केकी सा ना लगे तो यहाँ पे फाउंडेशन ले लिया है मैंने थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र मिक्स करके दोनों को साथ में लगाऊंगी करते हैं। Now, yours. आप ब्लेंडर से ब्लेंड करना चाहते हैं फिंगर्स की हेल्प से करना चाहते हैं मैं यहाँ पे फिंगर की हेल्प से ब्लेंड करूँगी। नाउ सी द रिजल्ट कितना ग्लोइंग लग रहा है मेरा जो बेस है प्रॉपर और बिल्कुल भी केकी नहीं लग रहा सो so, ये फ़र्क होता है अगर आप मॉइस्चराइज़र के साथ लगाएंगे तो आपकी जो स्किन है प्रॉपर इस तरह से ग्लो करेगी और आपका जो मेकअप है वो भी लॉन्ग लास्टिंग फिक्स रहेगा सो so, यहाँ पे मैंने बेस बना लिया है अब फिल करेंगे आईब्रोज यहाँ मैं शुगर की आईब्रो पेंसिल ले रही हूँ जिसमें साथ में ब्रश भी है तो पहले अच्छे से ब्रश कर लूँगी आईब्रो को देन अप्लाई करूँगी आईब्रो पेंसिल तो so, यहाँ मेरी आईब्रोज भी फिल हो गई है और इस तरह से मैं दोबारा से ब्रश कर लूंगी है तो आईब्रोज हो चुकी है फिल अब नेक्स्ट करेंगे हम हाईलाइट हमारे चिक्स को यहाँ मैं लव अर्थ का पॉट ले रही हूँ चिक का टेंट तो यहाँ पे सारे आपको मिल जाएंगे चाहे आपको पिगमेंटेड करने हो ब्राउन करने हो साइड से तो आप ये यूज कर सकते हैं एंड इसको आप चिक्स में लिप्स में दोनों जगह यूज़ कर सकते हैं एंड आइस में भी सो so, लिप्स मेरे काफ़ी ड्राई लग रहे हैं तो मैं यहाँ पे ये थोड़ा सा पिंक शेड लेके लिप्स पर अप्लाई कर लूँगी सो so, चिक्स के लिए मैं लाइट पिंक यूज़ करने वाली हूँ एंड थोड़ा सा नोज़ पर लगा लेंगे टाना। सो so, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है अभी से लुक तो लगा लिया है हमने टेंट भी नेक्स्ट हमारा बचा है लिपस्टिक लिपस्टिक अप्लाई करते हैं सो so, अगर आप जो आई मेकअप थोड़ा बोल्ड कर रहे हैं तो लिपस्टिक थोड़ी लाइट आपको अच्छी लगेगी सो so, यहाँ पे मैं पहले आउटलाइन कर लूँगी ब्राउन शेड से लिप लाइनर से ये होता है कि आपके जो लिप्स की शेप है वो काफ़ी इन्हेंस होके आती है मतलब प्रॉपर आपके लिप्स की शेप दिखती है बहुत सुंदर लगते हैं तो मैंने अभी जस्ट लिप के शेप ही दिया है लिप पेंसिल से और इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है और अब मैं लिपस्टिक अप्लाई करूँगी तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा तो यहाँ पे लिपस्टिक का शेड मैं न्यूड ले रही हूँ ब्राउन जो कि मुझे बहुत ही पसंद है आजकल ट्रेंडिंग में भी है तो न्यूड लिप्स बहुत अच्छे लगते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं अब लगाते हैं हम हाइलाइटर जो कि मेन होता है फेस में ग्लो करता है सो तो हाइलाइटर का लगाने का एक तरीका होता है तो हाइलाइटर जो है ये चिक बोन पे लगाया जाता है साइड वाली तो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ कलर एसेंस का गोल्डन हाइलाइटर और इसके साथ मुझे ब्रश भी मिला है तो अगर आप ये लेते हैं तो उसमें ब्रश भी होता है और ब्रश जो है इस तरह का है मतलब ये सिर्फ आपको दिखाता ही नहीं बताता भी है कि आपको ये किस तरह से अप्लाई करना होता है तो ये एकदम स्ट्रेट है और यहाँ जो हमारी बोन होती है उसपे इस तरह से लगता है सो so, मैं अप्लाई करके दिखाती हूँ आपको तो so, इस तरह से मैंने अप्लाई कर दिया है हाइलाइटर ये देखिए ज़्यादा ग्लो कर रहा है सिर्फ हाइलाइटर लगाने से तो ये मेन होता है अगर आपके पास है तो आप लगा सकते हैं नहीं तो आप तो जो चिक पे टिंट लगाते हैं वो इनफ होता है आई थिंक हो गया है हमारा फुल मेकअप एट दी लास्ट जो स्टेप होता है वो होता है मेकअप फिक्सर अगर आपके पास है तो आप वो लगा सकते हैं वरना ये भी ऑप्शनल है सो so, मैं यहाँ पे मेकअप फिक्सर नहीं लगा रही हूँ सो so, मैं आपको फुल लुक दिखाती हूँ अब Enough. आई होप आपको मेरा न्यूली वेड लुक अच्छा लगा होगा एंड ट्यूटोरियल हेल्पफुल रहा होगा सो so, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बाय बाय टेक केयर